हमने बड़े साइज की हरी मिर्च लेके इसको जो है पानी में सोख किया ताकि जो है इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो आसानी से साफ हो सके। तो भी थोड़ी देर इसको हम 3 से 4 मिनट इस पानी में रहने देंगे, इसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। ये भी हमने इसको वॉश करके हरी मिर्चों को इनके दरमियान में से बीज निकाल लिए और फिर इसको हमने सिरके में डिप कर दिया। 10 मिनट तक हम इसको अब डिप रहने देंगे। पहली बाइट्स कराने का तरीका, ये हमने चिकन चिकन को काट लिया, रखने के लिए रख दिया पानी में। आधा ग्लास पानी लिया हमने, इसमें 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स करके इसमें डाल दिया। अभी हम इसको तकरीबन 9 से 10 मिनट पकने देंगे इस तरह। अभी इसको 3 से 4 मिनट पकते हुए हो गए, इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून तंदूरी मसाला डाला और इसको फिर पकने के लिए रख दिया। अभी ये 6-7 मिनट और पकेगा इस तरह ताकि इसके अंदर सही टेस्ट आ जाए। ये हमने चिकन से सारा पानी खुश कर लिया और अभी ये फिलिंग के लिए इस तरह से बन गया। ये भी हमने इसमें चीज़ डाल दी है, इस पे जो हमने चिकन बनाया था वो डाल रहे हैं, इसकी फिलिंग कर रहे हैं। इस तरह से हम बीच में चीज चीज डाल रहे हैं, पहले हरी मिर्च में। फिर इसमें चिकन की फिलिंग कर दी हमने, इसी तरह से हरी मिर्च की इसको मैदे में सूप डाल दी थोड़ी सी। इसको फिर 1 मिनट की ब्रेड क्रम्स इस पे डाल दी। ये अभी फ्राई तमीर अभी रेडी हो गए, अभी हम इसको बस थोड़ी देर में फ्राई करते हैं। ये अभी हमने पकने के लिए रख दिए, जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इसको निकाल लेंगे बीच में से। इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, अभी हम इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। और अब बस इसको खाते हैं, पेपर पे डाल दिए कुछ पेपर पे ताकि ऑयल इसमें से हो जाए। ठीक है, पकौड़ों के साथ रफ्तारी के लिए रेडी। ये भी हमारे तैयार हो गए पेरी बाइट्स जो भी हमने बनाई हैं, पोटैटो चीज़ कटलेट्स और पोटैटो पकौड़ा। अभी हम इसको खाते हैं। यमी, जिसके अंदर से भी हुआ।